हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारा फेस जो है फ्रूट फेशियल कैसे करें, इससे हमारा फेस जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं आपको डेली हर रोज़ एक ऐसा स्किन का या ब्यूटी का एक फार्मूला अपने चैनल पे ला करके देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली के जो भी हमारे अच्छे अच्छे फार्मूले हैं, आप उनमें से कोई मिस ना कर दें और आपको सबसे पहले उस फार्मूले की जानकारी आपके मोबाइल फ़ोन पर या आपके लैपटॉप पर आपको मिल जाए। आप बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको जो है सारे नोटिफिकेशंस मेरे फार्मूलाज के मिल सके। हमारा चैनल जो है एक न्यूज़ चैनल है, उस पर हम अलग अलग तरह की आपको अच्छी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे हमने फ्रूट फेशियल किया है। फ्रूट फेशियल के लिए देखिए, हमने एप्पल को पीसा है, एक खरल में एप्पल पीस रहे हैं। आप एक फांक एप्पल को बारीक पीस लेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपको स्किन को गोरा करने की और टिप्स भी बताऊंगी। अभी हम जो फ्रूट फेशियल कर रहे हैं, आप ये कर लीजिए। आप इसके जो फ्रूट फेशियल अब अभी करेंगे, ये महंगे से महंगा फेशियल जो है, इसके सामने कुछ भी नहीं है। ये मेरा वादा है आपसे कि 3 दिन में आपकी स्किन जो है बिल्कुल अलग ही चमक लिए हुए जो है हो जाएगी, और आप देखेंगे कि आपकी स्किन जो है बहुत अच्छी होने लगी है। ये देखिए, हमारा बारीक पेस्ट तैयार कर लिया हमने एप्पल का। एप्पल आमतौर पर हमारे घर में मिल जाता है, तो आप अपना एक खा ये सब चीज़ें हमारे घर में आसानी से मिल जाती हैं। आप इसे बारीक पेस्ट में कन्वर्ट कीजिए। मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया है, मैंने इसे इतना बारीक नहीं, आपको इसको बिल्कुल बारीक चटनी जैसा बना लेना है। फिर अपनी स्किन पर आपको इसे राउंड राउंड अप्लाई करना है। 5 मिनट तक मसाज करने के बाद 5 मिनट तक लगे रहने दें, फिर वॉश करें। पूरा तरीका देखिएगा, बहुत ही अच्छा तरीका है फ्रेंड्स। बीच में जाइएगा मत, नहीं तो फिर आपका फेशियल जो है अधूरा रह जाएगा। तो देखिए, पहले हमने इसे राउंड शेप में अप्लाई किया है, 5 मिनट लगा रहने। मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए बता रही हूँ। अभी मैं इसको वॉश करके आ जाती हूँ। देखिए, अभी मैं वॉश करूँगी इसको। ये जो तरीका है, इसे हम अपने हाथों पर भी बचे हुए जो प्रोडक्ट है हमारा, उसको हम अपने हाथ की स्किन और पाँव की स्किन को भी अच्छा कर सकते हैं। इस विधि से बॉयज़ का भी स्किन पे ये काम करेगा, 100% वर्किंग है। आपको देख लेना, अभी आपको रिजल्ट दिख जाएंगे। आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछिए। पाँच मिनट लगा करके मैंने वॉश कर लिया है। वॉश करके मैं आपको भी दिखा देती हूँ। मैंने हैंड वॉश कर लिया है। आप देखिए, ये मैं जो हमारा हमने एप्पल का बनाया था, इसे मैं एक बाउल में रख देती हूँ। अब मैं जीरा जो है, एक पीस जीरा, इसको छीलती हूँ। छीलने के बाद आप देखिए, छील के उतार लेंगे धो कर के। हमने पहले ही धो कर के रखा था, और इसे भी हम पीस लेते हैं। देखिए,
मैंने पीस दिया है। पीसने के बाद आप देखेंगे इसका भी एक फेस मास्क अच्छा सा तैयार हो गया है। अगर आपकी ऑयली स्किन बहुत ज़्यादा है तो आप इस फेस मास्क में नींबू मिला लीजिए, थोड़ा चौथाई चम्मच नींबू का रस मिला लीजिए। और इसे मैंने वॉश कर लिया था, उसके बाद मैं अभी अप्लाई कर रही हूँ। दूसरा हमारा सेकंड स्टेप जो है अप्लाई कर रही हूँ। सेकंड स्टेप में हमें ये खीरे का फेस मास्क जो है इससे पहले हल्के हाथों से मसाज करनी है। ये मसाज क्रीम की तरह हमारी स्किन पर काम करेगा, हमारा जो पहले वाला था वो स्क्रब की तरह काम करेगा, डेड स्किन पूरी बाहर आ जाएगी। अभी जो सेकंड स्टेप चल रहा है ये हमारा फेशियल क्रीम मसाज जो होती है उसका काम करेगा। इसे भी आप अपने फेस पर टी शेप में, ओ शेप में एंड अलग अलग शेप्स में अप्लाई कीजिए। राउंड शेप्स में हल्के हाथों से अप्लाई करना है, बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है, अदरवाइज रिंकल्स आ जाएंगे। और जब भी ये प्रोडक्ट लगाए हैं तो आपको बोलना नहीं है, जब लगा करके बैठेंगे 5 मिनट रखने के लिए, अभी इसे 5 मिनट रखना है लगा के। मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए बता रही हूँ, मैंने अभी इसे वॉश कर लिया है, मैं वॉश करने जा रही हूँ। देखिए वॉश करने के बाद हम क्या करेंगे, मैंने वॉश कर लिया है हाथ को, अभी हम मौसमी का जूस लेंगे। मौसमी का जूस कैसे बनाना है मैं आपको बता रही हूँ। देखिए हमने काट लिया है और एक कांच के गिलास में इसे निचोड़ लेंगे। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से फेशियल करना सिखाती हूँ। हाँ, डेली मैं एक आपके लिए फेस के लिए कुछ ना कुछ नया ऐसा लेकर के आती हूँ। आप मेरे जितने भी वीडियोस हैं पहले वाले देख लीजिए, मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं एक आपको कोई भी ऐसा तरीका जो हमारी सुंदरता को बढ़ाता है हर बार दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रतिदिन आपको जो भी अपडेट हैं हमारे चैनल के वो मिलते रहे। अब मैंने इस जूस में देखिए शहद मिला लिया है, शहद मैंने 1 चम्मच के लगभग मिलाया है। आप कोई भी शहद ले सकते हैं, मैंने पतंजलि का लिया है, जो आपको अच्छा लगे, आपको शुद्ध लगे ले लीजिए, मुझे ये अच्छा लगता है इसलिए मैंने ये लिया है। उसके बाद मैंने दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया है, मौसमी का जूस और शहद को मिक्स कर दिया है। मैंने हाथ धो लिया था और अब देखिए मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये हमारा फेस टोनर जो है मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ, फेस मास्क बना है। सेकंड स्टेप में हमने क्रीम लगाई थी, ये हमारे टोनर का भी काम करेगा स्किन पे और फेस मास्क का भी। इंटेंस मास्क है ये, आपकी स्किन को बिल्कुल पोर्स तक क्लीन कर देगा आपके सारे। और आप देखिए शाइनिंग आना शुरू हो गई है। आप किसी भी अच्छे फेशियल से जब आप यही प्रोसेस कहते हैं तो इतनी शाइनिंग आपके फेस पर नहीं आती है। देखिए ग्लो अलग ही दिखाई देने लग गया है, मैंने आपको पहले भी दिखाया था अपना, शुरू में आप देख लीजिए कितना फ़र्क आपको नज़र आने लग गया है, जिसमें मैंने अभी पूरा टाइम भी इसमें नहीं लगाया है। आप जब पूरा टाइम में से 30 मिनट तक इस फेशियल को करेंगे अपने फेस पर, बहुत आसानी से आपका फेस जो है शाइनिंग करने लग जाएगा, शाइन करेगा। आप ये तरीका जो मैं आपको दिखा रही हूँ अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, 100% वर्किंग फॉर्मूला है फ्रेंड्स। और अभी मैंने इसको फिर से धो दिया है, धोने जा रही हूँ मैं इसको। मैंने धोने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या है, आप देखिए अभी दिखाएंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, देखिए आपको कुछ फ़र्क नज़र आ रहा होगा, डेफिनेटली आपको क्लीनिंग साफ दिखाई दे रही है। वॉश करने के बाद हमें अगेन यही स्टेप करना है जो हमने मौसमी और शहद लिया था, फिर से हमें हाथ पर अप्लाई करना है। ये वाली स्टेप हमें 3 बार
रिपीट करनी है, 5-5 मिनट इसे लगाकर सुखा करके वॉश करना है, फिर लगाना है, फिर वॉश करना है, फिर लगाना है, लास्ट में सुखा करके फेस को धो करके पोंछना नहीं है, अपने आप सूखने दीजिए। और आप देखेंगे कोई भी आप जो अच्छी क्रीम लगाते हैं लगा लीजिए, नो प्रॉब्लम। 2-3 दिन धूप से बचें, ये करने के बाद तो आपकी स्किन जो है बहुत अच्छी हो जाएगी फ्रेंड्स। इसके साथ ही आप सुबह उठ करके गुनगुने पानी में नींबू मिक्स करके, शहद मिक्स करके, साथ में उसमें 2 चम्मच इसबगोल मिला करके 5 मिनट के लिए रख दें। जब इसबगोल पानी में बिल्कुल मिक्स हो जाएगा तब वो आप पी जाएं, और आप देखेंगे कि ये जो नींबू वाला फॉर्मूला है या प्रतिदिन करते रहेंगे पीने का, तो आपकी स्किन जो है किसी भी और लोगों की स्किन से बहुत ज़्यादा शाइनिंग करेगी फ्रेंड्स। आप चेक करके देख लीजिए, मैंने खुद किया हुआ है। आपको लोग पूछने लग जाएंगे कि अभी स्किन पे क्या लगाया है। इसके बाद मैं आपको बहुत सारे और तरीके बताती रहूँगी स्किन को साफ़ करने के लिए। आप चैनल को इसी तरह से देखते रहिए। और एक और तरीका मैं आपको बता देती हूँ, इसमें आपकी स्किन साफ़ करने के लिए आपको इंटेक कर सकते हैं। आप सुबह सुबह हल्दी की चाय इंटेक करेंगे तो आपका जो फेस है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। हल्दी की चाय मैं आपको अपने वीडियो में बनाना बताऊंगी कि कैसे बनाते हैं। तीनों कोई भी आप इनमें से एक सुबह सुबह इनटेक कर लीजिए तो आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी। चाहे तो आप नींबू वाला पानी, इसबगोल का नींबू का पानी, शहद का, या फिर हल्दी की चाय, या फिर आप सुबह रात को 10 किशमिश भिगोई हुई सुबह उठ करके उस पानी को भी पी जाएं और किशमिश भी खा लें, तो आपका रंग जो है निश्चित रूप से प्राकृतिक चमक जो है आपके फेस पर आ जाएगी। देखिए अंदर से जब हमारे एंटी ऑक्सीडेंट्स हम लेते हैं तो हमारी स्किन जो है चमकने लग जाती है, शाइनिंग आ जाती है। तो आप ये तरीका भी यूज़ करके देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग फ्रेंड्स। मीट अगेन फ्रेंड्स।